पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, जाको राखे साइया मार सके न कोई। ये तो मैंने शायद गलत बोल दिया है ना। चलिए तो सही क्या है जानने के लिए देखते हैं आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपका अपना राहुल शर्मा। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग किस्से कहानियों की, जो कि मैं परेशान करने के लिए करता हूं अपर्णा को, बाकी के लोगों को। और क्या क्या गलतियां होती हैं जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, और स्क्रिप्ट में जब आपको याद नहीं होता तो आप किस तरह की गलतियां करते हो, चलिए ये जानते हैं आज के एपिसोड में। स्वागत है आपको मेरे चैनल पर, चलिए लेट्स स्टार्ट। बहुत खराब हो तुम राहुल। तो क्या दोहा चल रहा था? ये बोलेगी यहाँ पंडित जाको राखे साया मार सके ना, ये इनका है, इनका है ये। बहुत खराब हो तुम राहुल। So see what I'm doing. This is called chammach massage. So this is chammach massage. That's how you do. And what they are doing? ये देखो, ये होता है हीरोइन का। कैरेक्टर में आ गए, कैरेक्टर में। ए भगवान, इतने बहुत खराब हो तुम राहुल। और इससे पहले क्या बोला था? इससे पहले क्या बोला था? बहुत खराब हो तुम राहुल। तो आ जा रहे हैं हम लुक्का छिप्पी लेकर, कितने बजे? 9:30 बजे। कौन से चैनल पर? दंगल। वेरी नाइस, तो बच्चों ने सब बता दिया है, आप देख लीजिएगा। आई लव यू ऑल, थैंक यू। तो अपना ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं बहुत खराब हूँ क्योंकि मैं लोगों के वीडियोस ऐसे फनी मोमेंट्स रिकॉर्ड कर लेता हूँ। पर फाइनली मुझे वो दोहा याद हो गया, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोए, धाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। देखा, याद कर लिया मैंने। ऐसे ही अपर्णा को भी फाइनली याद हो गया था, लेकिन उससे पहले उनकी इन सब चीज़ों की वजह से, उनके याद करने की वजह से, सबके साथ इस तरह रिहर्स करने की वजह से मुझे कुछ फनी मोमेंट्स का मौका मिल गया और मैंने आपके साथ शेयर किया। ही इज सो स्वीट, वो हर चीज़ को फन बना सकती है, इसीलिए सेट पे सब लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। कई बार होता है कि हम लोग चीज़ें भूल जाते हैं, लाइन्स भूल जाते हैं, वो उतने अच्छे से याद नहीं रहती हैं, छोटी सी होती है, सिंपल सी होती है, लेकिन फिर भी याद नहीं रहती है, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं एक साथ, कई बार आपका दिन अच्छा नहीं होता। लेकिन फाइनली सबके साथ की वजह से, खुद जब आप बहुत रिहर्स कर लेते हो तब उसकी वजह से वो चीज़ें पॉसिबल होती हैं और फिर बहुत अच्छे से परफॉर्म भी की जाती है। तो ये था वो वाला किस्सा। उसके बाद में मैं बताता हूँ जेल वाले में मैंने मुझे जो है ज़्यादा कुछ था नहीं करने के लिए, मैं बैकग्राउंड में था और बैकग्राउंड में भी मैं दिख नहीं रहा था और सीन किसी और का चल रहा था, अपर्णा भी बैकग्राउंड में थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा टीज किया जाए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, क्योंकि बहुत बोर हो रहा था उस दिन। तो मैंने उसको छेड़ना शुरू किया और बहुत परेशान किया उस दिन, और फाइनली उसके बाद उन्होंने ये जो इसकी टैग लाइन है मेरे वीडियो की कि तुम बहुत ख़राब हो राहुल,
ये उनको कहना पड़ा बिकॉज मैंने उनको उस दिन इतना परेशान कर दिया था. ये था उसका किस्सा. फिर चम्मच मसाज हमने जब भी सीन्स होते थे बीच में तो मैंने कभी कभी जब कंधे में दर्द होता था उनके कल्याणी जो हमारी शीतल है उनके कंधे में बहुत दर्द रहता था तो कभी कभी उनको वो चम्मच वाली मसाज दे दी. या तो इस तरह से एक दूसरे का बॉन्ड जो है पूरे सेट पे बहुत अच्छा है. सब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं. सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं. बहुत गुड हार्टेड पीपल हैं. और इसी वजह से शो को इतना अच्छा बनाने में हम सबको बहुत है. तो यही कारण है कि आप लोग इससे इतना प्यार करते हैं. और जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाइए देखिए. दंगल पर इसके एपिसोड्स अवेलेबल हैं. सो दंगल चैनल पर यूट्यूब पे आप देख सकते हैं. सो ऐसे ही कुछ किस्से कहानियाँ मैं आपसे शेयर करता रहूँगा आगे भी. मैं हूँ आपका अपना राहुल शर्मा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.